रुक करते हैं आगरा का, जहां से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर जगदीशपुरा में चली गोली। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में बोदला स्थित एक मॉल में गुरुवार को हमलावरों ने जमीन कारोबारी को गोली मार दी। हमलावरों द्वारा कारोबारी पर एक के बाद एक तीन गोलियां मारी गई। उनके जाने के बाद मॉल के कुछ लोग कारोबारी के कार्यालय में पहुंचे, वहां का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। शोर मचाने पर जुटे लोगों ने कारोबारी को गंभीर हालत में सेक्टर एक स्थित अस्पताल में भर्ती कराया है। बोदला पुरानी सब्जी मंडी की जगह पर बना हुआ है मॉल, जिसमें जमीन कारोबारी राजीव गुप्ता का कार्यालय भी है। बताते हैं कि दोपहर में कारोबारी से मिलने कुछ लोग आए थे, उनका कारोबारी से कुछ विवाद चल रहा है। कारोबारी से बातचीत के दौरान हमलावरों ने उन्हें एक के बाद एक तीन गोलियां मार दी। गोली लगने से वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। बताते हैं कि इसके बाद हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कारोबारी को खून से लथपथ देख शोर मचाया। बोदला पुलिस चौकी का फोर्स मौके पर पहुंच गई है। कारोबारी राजीव गुप्ता को आनंद फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। यहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी होने पर एसपी सिटी विकास कुमार व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी के अनुसार कारोबारी के स्वजन से मामले की जानकारी ली जा रही है। मामले की पूरी जानकारी स्पष्ट होते ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस करेगी कार्रवाई। आगरा से संवाददाता मनोज कुशवाहा की रिपोर्ट। आज जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में टीआरएस मॉल में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस पर पुलिस मौके पर पहुंची और राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति को अशोक तोमर नाम के व्यक्ति ने गोली चलाई थी और राजीव गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। अशोक तोमर को मौके से पुलिस ने मैं असलाह गिरफ्तार किया है। ऐसा आसपास के लोग बता रहे हैं कि दोनों पार्टनर हैं और दोनों के बीच में अपना कुछ विवाद है। ऐसा हो सकता है कि इसी कारण ये गोलीकांड हुआ हो। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो हथियार से चलाया गया है वो हथियार लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी, इसकी भी जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखकर संबंधित कार्रवाई की जाएगी।